न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज TV। मैं हूँ आपके साथ श्रद्धा तिवारी। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। एक बार डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। चुनाव खत्म होते ही प्रधानमंत्री मोदी एक्शन मोड में की मैराथन बैठके। चिराग पासवान पर टिकी सबकी निगाहें। सेकंड डिवीजन पर अटका वाराणसी। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। चुनाव खत्म होते ही प्रधानमंत्री मोदी एक्शन मोड में की मैराथन बैठके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार और विवेकानंद स्मारक पर 45 घंटे ध्यान लगाने के बाद रविवार को काम पर लौट आए। आने के साथ ही उन्होंने लगातार कई मुद्दों पर सात बैठकें की। इनमें पूर्वोत्तर में चक्रवात रेमल के प्रभाव और कई राज्यों में जारी लू की स्थिति का जायजा लेना शामिल था। मोदी को मिजोरम, असम, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा में भूस्खलन और बाढ़ के कारण नुकसान के बारे में भी जानकारी दी गई। उन्होंने सरकार में वापसी होने की स्थिति में पहले 100 दिन के कामकाज की रूपरेखा पर भी चर्चा की। चुनाव अभियान की शुरुआत करने से पहले मोदी ने नौकरशाह को मोदी 3.0 के पहले 100 दिनों में किए जाने वाले फैसलों के लिए तैयार रहने को कहा था। उनका कहना है कि 100 दिनों में कड़े फैसले किए जाएंगे। मोदी 13 जून को G7 शिखर सम्मेलन में भाग इटली में जा रहे हैं, इसलिए उम्मीद है कि नए मंत्रिमंडल को समय से पहले शपथ दिलाई जा सकती है। उन्होंने नए मंत्रिमंडल के लिए जामिनी काम कर लिया है और 4 जून के बाद इस पर विचार विमर्श शुरू होगा। अटकलें हैं कि क्या भाजपा प्रमुख JP नड्डा को मंत्रिमंडल में वापस लाया जा सकता है, क्योंकि उनका कार्यकाल भी खत्म हो रहा है। प्रधानमंत्री को नए सेना प्रमुख, IB के निदेशक और अन्य प्रमुख अधिकारियों के संबंध में महत्वपूर्ण नियुक्तियों के बारे में भी निर्णय करना है। आई बढ़ते अगली खबर की ओर। चिराग पासवान पर टिकी सबकी निगाहें। बात चिराग पासवान और उनकी पार्टी पर सबकी निगाहें हैं। इस बार लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून को घोषित किए जाएंगे। नतीजों से पहले अलग अलग मीडिया चैनलों और सर्वे एजेंसियों की तरफ से एग्जिट चिराग पासवान पोल जारी किए गए। एग्जिट पोल के अनुसार चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी को 4 सीटें मिलने की उम्मीद है। हाजीपुर सीट भी चिराग के खाते में जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। वहीं एक अन्य एग्जिट पोल में लोजपा रामविलास को 3 से 4 सीटें मिलने का अनुमान दिखाया है। तीसरा एग्जिट पोल भी चिराग के पक्ष में ही दिख रहा। हालांकि कुछ चुनावी विशेषज्ञों चिराग पासवान को 5 सीट जीतने का अनुमान जता रहे हैं। वहीं कुछ खगड़िया और वैशाली सीट पर नुकसान का दावा भी कर रहे हैं। सभी 40 सीटें जीतने का दावा चिराग पासवान कहा, इस बात में कोई संदेह नहीं है कि हम लोग बिहार के सभी 40 सीटें जीत रहे हैं। यहां सातवां चरण हम लोगों को 400 पार भी कराए गई है। तय है कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। आई बढ़ते अगली खबर की ओर। सेकंड डिवीजन पर अटका वाराणसी। काशी के मतदाताओं को मतदान केंद्र तक लाने के लिए इस बार जिला प्रशासन को वाराणसी में काफी मशक्कत करनी पड़ी। मतदाताओं को जागरूक किया गया। हर मतदाता के फोन पर मैसेज आए और ब्रांड एम्बेसडर की आवाज में रिकॉर्ड कॉल की भी 2 से 3 बार हर मतदाता के पास आई। राजनीतिक दलों ने घर घर पर्चियां पहुंचाई। मतदान केंद्रों के बाहर बैठने और पर्ची देने की व्यवस्था की गई। इसके बाद भी कई मतदाता बूथ तक नहीं पहुंचे। पिछले चुनाव के मुकाबले 2024 में वोट प्रतिशत और घटकर 56.35 हो गया। 1991 में हुए पहले आम चुनाव में काशी में 45.19% मतदान हुआ था। उसके बाद काशी के मतदाताओं ने लंबी छलांग लगाई और 1957 में 62.67% मत हासिल किए। अगले चुनाव 1962 में यह प्रतिशत बढ़कर 63.28 पहुंच गया, मगर 1967 में यह घटकर 59.42 हो गया। इसके बाद आज तक काशी के हिस्से सिर्फ इंतजार ही आया और यहां मतदान कभी भी 60% तक भी नहीं पहुंच पाया। समय के साथ राजनीतिक दल भी इस ओर सक्रिय हुई और चुनाव आयोग ने भी प्रचार प्रसार पर सर्च बढ़ाया, मगर यह सब नाकाफी तब दिखाई देते हैं
1989 से 2009 तक वह दौर भी रहा जब काशी में 50% भी मतदान नहीं हुआ। 2014 में एक लंबी छलांग लगी मगर वह 2019 में घट गई और 2024 में वोट प्रतिशत और घटकर 56.35 हो गया। अब आप हमारे न्यूज़ चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज़ TV ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, हाइक, ट्विटर जैसे कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इसे लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का, ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज़ TV पर। नमस्कार। और आप देख रहे हैं MNS न्यूज़।